छोटे छोटे चेंज करो, सुबह उठ करके एलोवेरा जेल लगाया करो, सुबह उठ करके आंख में दृष्टि असौम्य डाल लिया करो जिसकी जैसी आवश्यकता, सुबह उठ करके एक बार दंतकांति, 50 साल के बाद वाले दंतकांति सेंसिटिव यूज किया करो, 40-50 साल के बाद बहुतों को सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, फिर दो दो टूथपेस्ट करते हैं, कितनी मूर्खता है, क्यों करते हो दो दो, दंतकांति सेंसिटिव कर लो, दांत मसोड़े सेंसिटिविटी तीनों एक साथ ठीक, मंजन कर लेना सप्ताह में 2-3 बार, छोटे छोटे उपाय करो। बालों में आपको केश कांति एडवांस, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। अनुलोम विलोम कपाल भाती लगातार कीजिए, मैंने 2 दिन से आह्वान किया कि जिनके बाल आए हैं, तो कल मैंने पूज्य स्वामी विदेह देव जी की ड्यूटी लगाई, तो कि भाई इसके वीडियो मंगवाओ, इतने लोगों ने अपने वीडियो भेजे हैं, और एक भाई हैं 3 फोटो भेजे हैं, व्यास महेश कश्यप दाधीच बेंगलोर से, इनके पूरी खोपड़ी के बाल गंजे थे, ये गंजी खोपड़ी भेजी पहले थे, फिर बाल उगाए पूरे, 60 साल की उम्र में खोपड़ी पूरी गंजी थी, मैंने कई पहले एग्जाम्पल दिए, पूरे बाल उगाए, दोनों के दोनों फोटो भेजे। दूसरे भाई थे, इनकी उम्र और भी ज़्यादा थी, इनके भी पूरे खोपड़ी पे बाल आ गए 60-65 साल की उम्र में। तो बालों में जिनको अति विशेष लाभ हुआ, ऐसे दाधी जी का मैंने बताया, पायल जी ने मुंबई से भेजा अपना, पायल जी नाम ठीक से नहीं लिखा, अंचचा लिख दिया, या तो अचला होता है या तो को आंचल होता है, कुछ नाम होता है, कुछ लिखने वालों ने गड़बड़ कर दी। और रायपुर से एक भाई का नाम कुछ उसका भी ठीक से नहीं लिख के भेजा। महाराष्ट्र से विजय पाटिल और जयश्री, गीताजी रानीखेत से, अंजलि पांडे सीतापुर से, हेयरफॉल रुक गए, बालों में शाइनिंग आ गई, प्रीति जी, सूर्य प्रकाश जी, नारायण जी, और केश कांति से ही जो है रवि, विजय शंकर, स्कल अच्छी हो गई, खोपड़ी सूखापन रूखापन दूर हो गया, नींद अच्छी आने लगी, ये जोरदार काम, बालों का झड़ना बंद हो गया, बुलबुल हैं एमपी से, डैंड्रफ खत्म हो गया, बाल अच्छे हो गए प्रिया जी के।